नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ लोकसभा सीट और यह उपचुनाव हो रहा है। पूरी देश की निगाहें आजमगढ़ सीट पर है। वहाँ पे बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली हैं, भाजपा प्रत्याशी निरहुआ हैं, यानी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, ये भोजपुरी स्टार हैं और 2019 में भी ये वहाँ से कैंडिडेट थे। सपा ने भी अपना कैंडिडेट दिया है और कल की घटना है, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने ये स्वीकार किया कि उनकी लड़ाई जो है वह बसपा कैंडिडेट गुड्डू जमाली से है। अब प्रश्न यह उठता है कि एक सीट है, उपचुनाव है लोकसभा का, इससे कोई परिवर्तन ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली चुनाव जीत जाते हैं तो बसपा अपनी खोई हुई साख को धीरे धीरे वापस लाने में कामयाब हो सकती है और बहन मायावती जी को इस लोकसभा के जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ करनी चाहिए, आम जनता से मिलना चाहिए। इसी बहाने तमाम कार्यकर्ता के शिकवा शिकायत सब सुनने को मिल जाएंगे, कहाँ कौन है और क्या कर रहा है, सारी की सारी चर्चाएं हो जाएगी और निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव को कड़ी टक्कर भी मिल सकती है। मैं आपको 2019 में लेकर चलता हूं, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था हम लोग कवर कर रहे थे। उस वक्त सपा और बसपा का गठबंधन था और अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, यानी निरहुआ दिनेश लाल यादव के सामने एक कड़क उम्मीदवार, एक ताकतवर उम्मीदवार खड़ा था और बसपा का समर्थन था, इसलिए 2-2.5 लाख वोट से वो हार गए। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न है, अलग है, क्योंकि बसपा केवल सामाजिक समीकरण को लेकर खड़ी है, भाजपा का जितना वोट था उतना ही है और सपा ने वोट काटने के लिए अपना कैंडिडेट दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज के वोट का बिखराव होगा और जो कट्टर बसपाई होंगे, जो कट्टर बसपा के सपोर्टर होंगे, उनके जो मतदाता होंगे वो वोट देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि गुड्डू जमाली जी चुनाव निकाल लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, अगर बहन मायावती जी क्षेत्र में घूमें, लोगों से मिलें तो ये कमाल हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सभी कैंडिडेट से ज़्यादा मजबूत हैं और भाजपा को उत्तर प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, जो घोटाले घपले जो भी होते हैं उस पर चर्चा करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि बन रही है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी है, वह अंतर्राष्ट्रीय बातें बताकर आम जनता को राष्ट्रवाद का मंत्र पढ़ाकर और वोट ले जाएगी। सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि दिनेश लाल यादव जो 2019 में कैंडिडेट थे अखिलेश यादव के सामने, उनको पूरा का पूरा लोकसभा सीट घुमा हुआ है, देखा हुआ है, कहां कहां उन्होंने शिकस्त खाई है, उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, भाग रहे हैं। गुड्डू जमाली नए कैंडिडेट हैं, बसपा का अपना जनाधार है, वहाँ का अपना जिला अध्यक्ष है, कार्यकर्ता अपनी तरफ से काफ़ी जोर लगाते हैं, लेकिन बहन मायावती जी एक मास लीडर है, उनको देखने देखने के लिए ही आम पब्लिक झुकर जाती है, देखने के लिए आती है कि उनका मिशन कैसा था। माननीय काशी राम जी के समय में बहन मायावती जी किस तरह से भाषण देती थी, अब वो क्या बोल रही हैं। फिलहाल आम जनता उन्हें ट्विटर पर ही देखती है, जो उनकी ट्वीट्स आते रहते हैं, सरकार से जो मांग रखती हैं, लेकिन आमना सामना आम जनता को नहीं होता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहन मायावती जी को आजमगढ़ का दौरा बढ़ा देना चाहिए। अगर दिनेश लाल यादव चुनाव हार जाते हैं, गुड्डू जमाली चुनाव जीत जाता है, बसपा का अपना खोया हुआ साख दोबारा वापस मिलने में काफ़ी कुछ संभव हो जाएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो हालात बने, लोग धीरे धीरे उनका कंसेप्शन बदलने लग गया बसपा के प्रति, वो कंसेप्शन बदलने की अब ज़रूरत है। सामने उपचुनाव है, इसमें सत्ता आएगी जाएगी इसके ऊपर चर्चा ना करके बहुजन समाज को एक जगह लाने की कोशिश किया जाए इस उपचुनाव के बहाने।
और दो सीट है रामपुर सीट और आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। बसपा को एक्टिव होना चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।